प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी दिनांक 24 अक्टूबर 2018 बुधवार को ग्राम बरखेड़ा गंगा समेत गांव के सबसे बड़े त्योहार व मंदसौर जिले के प्रसिद्ध माँ दूधा खेड़ी के विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया। माँ दूधा खेड़ी के समस्त भक्तजन यहाँ के भंडारे को बड़ा उत्सव इसलिए मानते हैं क्योंकि इस दिन गांव के समस्त नागरिक अपना व्यवसाय प्रतिष्ठान कृषि कार्य सहित अन्य सभी कामकाज बंद रखते हैं। भंडारे के दिन गांव में एक भी घर में चूल्हा नहीं जलता, किसी के घर भी भोजन नहीं बनता। समस्त ग्रामवासी व बाहर से पधारे समस्त भक्तगण इसी भंडारे में भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं एवं हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सुबह से लेकर शाम तक भंडारे में ही श्रमदान करते हैं। यही नहीं, भंडारा समिति के कुछ कार्यकर्ता गरोठ खड़ावदा मुख्य रोड से गुजरने वाले हर यात्री हर वाहन को रोककर उनसे आग्रह करते हैं कि आप माँ के भंडारे में भोजन प्रसादी ग्रहण कर ही अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करें। माँ दूधा खेड़ी के आशीर्वाद से वह समस्त ग्रामवासी सहित आसपास के गांव के भक्तजनों के सहयोग से पिछले 21 वर्षों से निरंतर हर वर्ष अश्विनी नवरात्रि के पश्चात शरद पूर्णिमा के दिन माँ दूधा खेड़ी के प्रांगण में भंडारे का आयोजन होता रहा है। यह साल भंडारे का सफलतम 22वां वर्ष है। इस आयोजन में समस्त ग्रामवासी एवं आसपास गांव के भक्तजनों का तन मन धन से सहयोग रहता है। माँ दूधा खेड़ी के भंडारे के उपलक्ष्य में यहां पर 3 दिवसीय मेला भी लगता है। इस वर्ष भंडारे की पूर्व रात्रि को कवि सम्मेलन का आयोजन भी रखा गया है। अंतर जिले के समस्त भक्तजनों नागरिक बंधुओं से निवेदन है कि भंडारे के आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में पधार कर माँ दूधा खेड़ी के आशीर्वाद रूपी भोजन प्रसादी ग्रहण कर धर्म लाभ लेवे। साथ ही आज रात्रि 8 बजे माता जी मंदिर परिसर में पधार कर कवि सम्मेलन का आनंद भी लें। किस प्रकार होता है ये भंडारे का आयोजन? माता जी दूधाखेड़ी मंदिर में प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा को माता जी का भंडारा होता है, जिसमें लगभग 20 से 25 हज़ार लोग भोजन प्रसादी लेते हैं। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 24 अक्टूबर 2018 को माता जी का विशाल भंडारा होगा, जिसमें बाहर से और आसपास के सभी और गाँव वालों लोगों का सभी का सहयोग रहता है। और मतलब जो है माता जी की कृपा से यहाँ पे ना कोई चंदा लिया जाता है, ना कोई परेशानी होती है, सब माता जी अपना ये करती है पूरा। और सवेरे माता जी की सवेरे 7 बजे 7:30 बजे आरती होती है, उसके बाद से कन्याओं का भोजन होता है, और उसके बाद से 8:30 बजे से लगभग सभी बसों को रोका जाता है और माता जी के प्रसाद सभी लोग लेकर के और यहाँ से माता जी प्रांगण से जाते हैं। कितनी आबादी है इस गांव की? इस गांव की लगभग 7-8 हज़ार लोगों की आबादी है और इसमें गांव वाले पूरा सहयोग करते हैं। सभी समाज के धर्म के लोग यहां पे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और अपना माताजी का भंडारे का कार्यक्रम सुचारू रूप से चालू करवाते हैं। इसमें हलवाई बाहर से रतलाम से श्री कैलाश जी पंडित जी तिवारी आते हैं, अपने 3 दिन तक उनका रसोई का प्रोग्राम चलता है और अपने हिसाब से रसोई बना करके ने भोजन करवाते हैं। कितने वर्षों से हो रहा है भंडारा? ये 22वां वर्ष है माता जी के भंडारे का। आज 23/10/2018 को माता जी के प्रांगण में कवि सम्मेलन होगा, जिसमें रामू जी हटेला और गोपाल जी धुरंधर। इतने बड़े आयोजन में खर्च बहुत होता होगा, तो ये खर्च कौन उठाता है? सब माता जी की कृपा से आसपास के गांव के लोग और गांव वाले बरखेड़ा गंगासा के सभी भक्तजन इसमें सहयोग करते हैं।